लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। फेसबुक ने आध्यात्मिक संगठन सनातन संस्था का नाम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक संस्थाओं की सूची में डालते हुए उसका अकाउंट बंद कर दिया है, जबकि फेसबुक पर जिहादी संगठनों के 50 से अधिक अकाउंट आज भी चालू हैं। इसे चुनौती देते हुए सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता चेतन राजहंस ने फेसबुक की भूमिका पर सवाल उठाया। उन्होंने खतरनाक संगठनों की सूची से सनातन संस्था का नाम तत्काल निकालने की मांग की। देखिए रिपोर्ट। फेसबुक ने आध्यात्मिक संगठन सनातन संस्था का सोशल हैंडलर अकाउंट बंद कर दिया है। सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता चेतन राजहंस ने फेसबुक की इस भूमिका पर सवाल उठाते हुए कड़ा निषेध किया है। चेतन राजहंस ने कहा कि राष्ट्रधर्म और आध्यात्मिकता का प्रचार करने वाली सनातन संस्था का एक भी पोस्ट राष्ट्र विरोधी नहीं है, फिर भी उसे बंद किया गया। उन्होंने सवाल पूछा कि आतंक और कट्टरवाद फैलाने वाले जाकिर नाइक की पोस्ट को सही बताने वाला फेसबुक क्या सनातन संस्था का एक भी पोस्ट ऐसा दिखा सकता है जो राष्ट्र विरोधी हो? अगर नहीं तो उसे दोहरी मानसिकता त्याग कर सनातन का अकाउंट फ्री करना चाहिए। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हम सबको पता है कि हाल ही में फेसबुक ने एक सीक्रेट लिस्ट बनाई थी जिसमें विश्व के खतरनाक संगठनों का उल्लेख किया था। दुर्भाग्य से सनातन संस्था जैसे आध्यात्मिक संगठन का भी उसमें नाम आया है। मैं यह बताना चाहूँगा, भारत के लिए जो खतरनाक है और जिहादी आतंकवादी के रूप में घोषित है, ऐसे जाकिर नाइक के 50 से अधिक फेसबुक अकाउंट्स आज भी खुल्लम खुल्ला भारत में चल रहे हैं, जो फेसबुक को खतरनाक नहीं लगते हैं। और सनातन धर्म की शिक्षा देने वाले, सनातन धर्म का आचरण सिखाने वाले एक आध्यात्मिक संगठन जो सनातन संस्था है, वो विश्व के लिए वो घातक लगती है फेसबुक को। यह आश्चर्यकारक है। मैं बताना चाहूँगा, अमेरिका में जो हिंदू विरोध पनप रहा है उसका ये दृश्य उदाहरण है। पिछले महीने में जो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें हिंदू विरोध की परिषद के रूप में एक वैश्विक स्तर का आह्वान किया गया था, उसी क्रम में फेसबुक चल रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि फेसबुक के ही डेटा साइंटिस्ट जो फ्रांसिस होगेन हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कि छोटे बच्चे और लोकतंत्र के दृष्टिकोण से फेसबुक घातक है। हमको पता है कि पिछले कुछ महीने पहले मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के संस्थापक रहे हैं, उनको भी अमेरिकी पार्लियामेंट के सामने आना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने गुप्त तरीके से लोगों की जानकारी का उल्लंघन किया था। यह बताना चाहूँगा कि जो फेसबुक स्वयं लोकतंत्र के लिए घातक है या विश्व के लिए घातक बन चुका है, उन्होंने सनातन संस्था जैसे संगठन को घातक बताना हास्यास्पद है। मैं यह बताना चाहूँगा, सनातन धर्म की शिक्षा देने वाली और सनातन धर्म के आचरण देने वाली सनातन संस्था के फेसबुक अकाउंट से एक भी राष्ट्रविघाती, देश विरोधी पोस्ट आज तक शेयर नहीं हुई है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सनातन संस्था के सभी पोस्ट सनातन धर्म की शिक्षा देने वाले या सनातन धर्म का आचरण सिखाने वाले थे। मैं फेसबुक को चैलेंज करता हूं कि वो ऐसी एक भी पोस्ट दिखाए जो राष्ट्र विघातक है, और यदि वो चैलेंज स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है तो अपना जो सीक्रेट लिस्ट में जो सनातन संस्था का नाम आया है उसको पीछे लेने का साहस करें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।